नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मोटो फाइंडर्स में। जैसा कि मैंने चैनल का नाम कर दिया है मोटो फाइंडर्स, मैं आप लोगों के लिए नई से नए डील्स फाइंड करके ला रहा हूं। और इस बार जो मैं गाड़ी लेकर आया हूं वो है GLS 2019 रजिस्टर्ड सिंगल ओनर गाड़ी, डीजल इंजन, दिल्ली नंबर। अमेजिंग गाड़ी है। इसकी एक मैं आपको खास बात बता दूं इस वीडियो की, इस डील की, कि यहाँ पे जो आपकी डील होगी डायरेक्ट एंड कस्टमर से होगी, जिसके नाम पे RC रजिस्टर्ड है उसके साथ आपकी डील होगी। मोटो फाइंडर्स चैनल धीरे धीरे आप लोगों की प्यार की वजह से इतना फेमस होता जा रहा है कि पहले हमें डीलर्स बुलाते थे कि हमारे स्टॉक कवर करिए, और अब हमें एंड कस्टमर्स भी बुला रहे हैं कि सर आइए हमारा स्टॉक कवर करिए, हमारी गाड़ी बेचने में हेल्प करिए। इससे क्या होता है कि हम एक जो गैप है एंड यूजर के बीच में, जो सेलर है और एंड यूजर जो बायर है उसके बीच में जो गैप है, हम उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बेस्ट टू बेस्ट डील मिले, उनको डायरेक्ट एंड कस्टमर से डील मिले, उनको अच्छी गाड़ी मिले, कम से कम प्राइस पे मिले, तो ये मेरी कोशिश है। उससे एक और एडवांटेज ये होता है कि इमीडिएट ट्रांसफर हो जाती है, सेलर की गाड़ी इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है बायर के नाम पे, और बायर को गाड़ी थोड़ी रीजनेबल प्रॉफिट पे मिल जाती है। और उसके किसी तरीके के भी डाउट्स होते हैं तो वो 1-to-1 सेलर से जो है वो पूछ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये गाड़ी जो है ये डायरेक्ट कस्टमर की है, जिनके नाम पे RC है डायरेक्टली उनसे आपकी पेमेंट होगी। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये गाड़ी है GLS 350D मर्सिडीज बेंज की SUV, सिग्नेचर SUV है फ्रेंड्स। 2016 से लेके 2020 तक ये मॉडल कंटिन्यू रहा था। 2018 मैन्युफैक्चर्ड है, 2019 रजिस्टर्ड है, सिंगल ओनर है, डीजल इंजन है, दिल्ली नंबर है, गाड़ी चली है 79,000 किलोमीटर और इमैक्युलेट कंडीशन है। सारे सर्विस रिकॉर्ड्स गाड़ी के अवेलेबल हैं। जिस कस्टमर की ये गाड़ी है वो इतने हाई प्रोफाइल कस्टमर है कि उन्होंने जितना काम भी कराया हमेशा ऑथराइज्ड सर्विस स्टेशन से कराया है। गाड़ी चली है 79,000 किलोमीटर्स, ऑल ओरिजिनल कार आपको मिलती है। इसका जो आस्किंग प्राइस है वो है 67 लाख रुपीज, जो कि नेगोशिएबल है, ऑन टेबल 67 लाख रुपीज में मिल जाएगी। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, आपको 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ, गाड़ी के स्पेसिफिकेशन के बारे में बताता हूँ, इस गाड़ी के बारे में बताता हूँ, क्या इसमें खूबियाँ क्या इसमें खामियाँ वो बताने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड, मर्सिडीज बेंज GLS 350D में फ्रेंड्स यहाँ सेंटर में हमें लोगो मिल जाती है एम्बॉस मर्सिडीज बेंज की, जो बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ एक बीच में हमें एक छोटा सा लोगो मिलता है। यहाँ पे ग्रिल्स में जो है हमें यहाँ पे फ्रेंड्स क्रोम फिनिश मिल जाता है। इवन यहाँ पे जो इंजन के यहाँ पे जो एयर इंटेक्स हैं यहाँ पे भी हमें सिल्वर क्रोम मिल रहा है। यहाँ पे हमें LED लाइट मिल जाती है, और ये देखिए लाइट्स भी इसकी बहुत इंटैक्ट कंडीशन में है। गाड़ी का फ्रंट बम्पर भी बहुत इंटैक्ट कंडीशन में है। यहाँ हेडलाइट वॉशर्स वगैरह हमें मिल जाते हैं। यहाँ पे हाउएवर अगर आप देखेंगे तो बम्पर हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा लग गया है, जो कि फिक्स हो सकता है, आपको कराने की जरूरत नहीं है। गाड़ी का कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस अगर आप इंश्योरेंस पर कराना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये एक फ्रंट में बम्पर थोड़ा सा हिट हुआ है, गाड़ी चलती है दिल्ली NCR में, ये नॉमिनल है। और ये गाड़ी जो है ये एंड कस्टमर की है। इसमें 360 डिग्री कैमरा हमें इसके अंदर मिल रहा है, पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं फ्रंट एंड रियर, हमें इसके अंदर पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं। टायर्स इसके अंदर 275/50 R20 inches के अलॉयज इसके अंदर आते हैं, जो कि ब्लैक स्मोक ग्रे कलर के इसमें अलॉयज हैं। कॉन्टिनेंटल के टायर्स हैं, टायर्स भी अच्छी कंडीशन में है, 10-12 हज़ार किलोमीटर चला सकते हैं। ग्रैंड एडिशन मॉडल है फ्रेंड्स, ये ग्रैंड एडिशन मॉडल है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमें फंक्शनल फुटरेस्ट मिलता है, जो कि कहीं से भी आवाज़ नहीं कर रहा है, कहीं से भी लूज नहीं है। और ये फंक्शनल हमें यहाँ पे रूफ रेल्स मिलते हैं गाड़ी की। ये देखिए गाड़ी के सस्पेंशन कितने अच्छे हैं, एक इशारे के साथ पूरी गाड़ी हिल रही है, ये खूबी होती है, मतलब मर्सिडीज बेंज की गाड़ियों के इतने अच्छे सस्पेंशन होते हैं। रियर टायर फिर भी थोड़ा सा बेटर कंडीशन में है। पीछे हमें फिर LED लाइट्स मिल रही हैं, 4MATIC की यहाँ बैजिंग मिल रही है, GLS 350D का लो बैजिंग मिल रही है, मर्सिडीज बेंज का हमें यहाँ पे लोगो मिल रहा है। और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक टेलगेट मिल रहा है, जिसमें हमें यहाँ पे जो है क्रोम फिनिश मिल रहा है, ताकि गाड़ी के बम्पर्स ख़राब ना हो। ये देखिए पीछे से लेके आगे तक कितनी लंबी कितनी ह्यूज गाड़ी है, डबल सनरूफ हमें इसके अंदर मिलती है फ्रेंड्स। और ये वाली सीट्स जो हैं ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होती हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ कि ये फंक्शनल हैं या नहीं। तो ये दोनों सीट्स जो हैं इलेक्ट्रिकली बिल्कुल अपनी स्पीड से और जैसे उन्हें आना चाहिए बिल्कुल आ रही हैं, किसी तरीके की कोई नॉइस नहीं कर रही हैं। गाड़ी थोड़ी सी गंदी है, एक ड्राई क्लीन की ज़रूरत है गाड़ी को, बेशक ड्राई क्लीन कराने की ज़रूरत है। बाकी गाड़ी में किसी तरीके का कोई मैकेनिकल फॉल्ट नहीं है। पीछे हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कप होल्डर्स भी मिल रहे हैं, यहाँ स्पीकर्स हैं, और हमें यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें चार्जिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं। इलेक्ट्रिक टेलगेट हमें मिल रही है, जो कि फंक्शनल प्रॉपर है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये मर्सिडीज बेंज GL 350D आपकी 2016 से लेके 2020 तक ये मॉडल आया था, और जब ये लाख मॉडल डिसकंटिन्यूड हुआ था तो 88 लाख रुपीज़ एक्शोरूम प्राइस पे हुआ था। हाउएवर उस टाइम पे कुछ डिस्काउंट्स भी थे, बट ऑन रोड गाड़ी अप्रॉक्सीमेटली 90 लाख रुपीज़ की पड़ती थी।
आज अगर आप देखेंगे GLS की शेप चेंज हो चुकी है, एक्सटीरियर्स चेंज हो चुके हैं और इंटीरियर्स भी चेंज हो चुके हैं। न्यू जनरेशन GLS आ चुकी है जो कि कॉस्ट करती है 1,35,00,000 रुपए की। लेकिन अगर आप 7-सीटर जर्मन में अगर कोई देखते हैं तो बहुत ही कम ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें GLS जो है वो हमेशा टॉप पे रहती है, हॉट सेलिंग केक रहता है। इंजन स्पेसिफिकेशन इसके एक बारे में आपको बता देता हूँ, इसमें 3000cc का V6 इंजन आता है जो जनरेट करता है 255 bhp एट द रेट ऑफ 3400 rpm। ARAI ने जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी इसकी एवरेज सर्टिफाई की थी 11.5 km/l। ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है ये, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, 9 gear tronic है, पैडल शिफ्ट स्पोर्ट्स मोड भी हमें मिलता है इसके अंदर, टर्बो चार्ज इंजन मिलता है, आइडल स्टार्ट स्टॉप फीचर भी हमें मिलता है। गाड़ी की आप ओवरऑल लेंथ देखेंगे तो 5130 mm गाड़ी लंबी है और 1934 mm गाड़ी चौड़ी है। विड्थ जो है गाड़ी की 1934 mm गाड़ी की विड्थ है। व्हील बेस गाड़ी का बहुत अच्छा है, 3075 mm का गाड़ी का व्हील बेस मिलता है। आज की डेट में गाड़ी 1,35,00,000 रुपए की, और जब ये गाड़ी 2016 से लेकर 2020 तक चली थी, जब 20 में डिसकंटिन्यूड हुई थी तो 88 lakh रुपीज एक्सोरूम प्राइस पे गाड़ी डिसकंटिन्यूड हुई थी। ग्रैंड एडिशन ऑन रोड तो 90 lakh रुपए की गाड़ी, हॉट सेलिंग केक मर्सिडीज बेंज GLS 2018 मैन्युफैक्चर, 2019 रजिस्टर्ड, सिंगल ओनर, 79,000 किलोमीटर ड्रिवन, आपको मिलती है 67 lakh रुपीज में जो कि प्राइस नेगोशिएबल है। फ्रेंड्स एक बारी मैं इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। टायर्स मैं आपको बता चुका हूं, इससे 10,000 से 12,000 किलोमीटर आपके चलेंगे। यहां पे बॉडी लाइन पे एक हेयर लाइन डेंट है और यहां पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा कस्टमर ने जो है कलम टचिंग करा रखी है। थोड़े से दरवाजे जो हैं ये थोड़े से यहां के पेंट जो है वो पील ऑफ हो गया है, बाकी गाड़ी ऑल ओरिजिनल है, पूरा पेंट गाड़ी का ओरिजिनल है और बाकी गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। एक रबिंग बफिंग कराने की जरूरत है, एक ड्राई क्लीन कराने की जरूरत है, गाड़ी ऑल न्यू हो जाएगी आपके लिए। इंटीरियर्स भी आप एक बार देखेंगे, इसके इंटीरियर्स भी कितने नीट एंड क्लीन है, इंटीरियर्स आप देख सकते हैं कितने नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा एंटीक वुड फिनिश यहाँ पे हमें मिल जाता है और यहाँ हमें थोड़ा बेज कलर मिल जाता है, यहाँ हमें टैन कलर, ब्राउन कलर मिल रहा है। फ्रेंड्स यहाँ सारे मिरर्स के कंट्रोल्स मिल रहे हैं और ऑटो रिट्रैक्टेबल बटन हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, बटन कंट्रोल करने के लिए मिल रहे हैं। सीट्स के हमें यहाँ पे फंक्शन मिलता है, 8-way एडजस्टेबल सीट है, सारी फंक्शनल है। हेडरेस्ट जो है वो भी प्रॉपरली मूव कर रहा है, यहाँ पे जो है लंबा सपोर्ट भी है। गाड़ी के आप इंटीरियर देखिए, यहाँ पे हमें जॉयस्टिक मिल रही है जिससे हमको म्यूजिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, ये भी जो ये टच पैड है, ये जॉयस्टिक है। गाड़ी को आप स्पोर्ट्स टेरेन में चला सकते हैं, गाड़ी को आप इंडिविजुअल टेरेन मोड में चला सकते हैं, कम्फर्ट मोड में चला सकते हैं। गाड़ी में हाइट एडजस्टमेंट फीचर भी दिया गया है, यहाँ से गाड़ी हाइट आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। गाड़ी में डी हिल भी है, अप हिल फीचर भी है। गाड़ी के अंदर पुश बटन स्टार्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है, ऑटो हेडलैम्प्स मिल रहे हैं हमें यहाँ पे, रेन सेंसर्स मिल रहे हैं, पार्किंग बटन जो है वो इलेक्ट्रिक दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप रियर सीट देखेंगे फ्रेंड्स तो रियर सीट्स जो हैं आप 60-40 में स्प्लिट हुई भी हमें मिल रही हैं, बट यहाँ पे हमें देख सकते हैं आप यहाँ पे कॉकपिट सीट्स टाइप यहाँ पे दी गई है मर्सिडीज बेंज ने, काफ़ी अच्छी यहाँ पे सीटिंग। रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम भी हमें मिल रहा है, लैंप्स, रीडिंग लैंप्स कस्टमर ने लगा रखी है, डबल सनरूफ हमें इसके अंदर मिल रही है। 7-सीटर गाड़ी है ये, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे मैनुअल कर्टेन भी हमें मिल रहे हैं जो बिल्कुल इंटैक्ट कंडीशन में है, कहीं से कहीं तक कटे फटे नहीं है, कहीं से कहीं तक रफ यूज नहीं है, यहाँ मैनुअल कर्टेन हमें मिल रहे हैं प्रीवियसली के लिए। थर्ड रो सीट्स मैं आपको दिखा चुका हूँ, थर्ड रो सीट्स प्रॉपरली फंक्शनल है। रियर वाइपर यहाँ पे हमें मिलता है, डिफॉगर हमें इसके अंदर मिलता है। फ्रेंड्स ये है हार्ट ऑफ द कार, V6 टर्बोचार्ज इंजन हमें इसके अंदर मिलता है, 3 लीटर का जो जनरेट करता है 255 bhp, पावरफुल गाड़ी है, V6 इंजन है। गाड़ी कहीं भी कहीं से कहीं तक फ्रंट हिट नहीं हुआ है, फ्रंट इम्पैक्ट कहीं पे नहीं आया है। गाड़ी के सारे बोल्ट जो है आप देख सकते हैं कंपनी फिटेड ओरिजिनल्स है, कभी इन पे किसी तरीके का भी कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऑल ओरिजिनल इंटैक्ट गाड़ी है, गाड़ी कहीं से कहीं तक भी कभी हिट नहीं हुई है। चारों दरवाजे और बूट इसकी ओरिजिनल है, गाड़ी 100% ओरिजिनल है। फ्रेंड्स चलिए एक टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं और देखते हैं कि गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है, रोड अपीयरेंस कैसी है गाड़ी की, एक बार देखते हैं। गाड़ी देखता हूँ मैं, हाफ सेल्फ स्टार्ट है, यानी गाड़ी हमेशा लेते हैं एक बार सेल्फ जरूर मार के देखते हैं कि गाड़ी की माउंटिंग साउंडिंग सब हमें वहीं से पता चल जाती है। गाड़ी हाफ सेल्फ स्टार्ट है, किसी तरीके का कोई वाइब्रेशन नहीं है, गाड़ी की इंजन माउंटिंग ओके है, गियर्स ट्रांसमिशन में किसी तरीके का कोई काम नहीं लग रहा है, स्टेयरिंग में कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रही है। 360 डिग्री कैमरा आप देख सकते हैं यहाँ पे, 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है। रेयर एंटरटेनमेंट सिस्टम वर्किंग कंडीशन में है, सनरूफ जो है वो सिंगल टच के साथ काम कर रहा है, किसी तरीके का कोई नॉइस नहीं है सनरूफ में, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं सीट बेल्ट लगा लेते हैं। फ्रेंड्स टेस्ट ड्राइव पे जाने से पहले हम
गाड़ी के सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, अभी मैंने गड्ढे में गाड़ी जो है निकाली है, सस्पेंशन का किसी तरीके का कोई काम नहीं लग रहा है मुझे, इंजन माउंटिंग का कोई काम नहीं लग रहा है, कोई गाड़ी में वाइब्रेशन नहीं है और गियर का कोई काम नहीं लग रहा है मुझे, किसी तरीके का गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। गाड़ी की रोड प्रेजेंस है एक अपने आप में VIP गाड़ी है, GLS राजा गाड़ी है, किसी तरीके की कोई कंप्लेंट सुनने के लिए नहीं मिलती है। GLS में सिग्नेचर SUV भी रही है मर्सिडीज बेंज की, आफ्टरऑल आज गाड़ी जो है न्यू मर्सिडीज बेंज बेच रही है 1,35,00,000 रुपए की, अगर उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं एक्सटीरियर में इंटीरियर में, यहाँ पूरी LCD स्क्रीन दे दी है, टच स्क्रीन दे दी है, काफ़ी सारी चीज़ें एड ऑन कर दी हैं, बट इस GLS का एक अपना अलग मज़ा है, एक अपना अलग स्टैंडर्ड है इस गाड़ी का। तो अगर आप ये गाड़ी लेने में फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे कॉन्टैक्ट करने का सबसे बेस्ट और सबसे ईजी वे है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जो मेरे कैटलॉग लिंक है, आप साइड में मेरा कैटलॉग देख सकते हैं जो रन कर रहा है, उसमें आपको हर ब्रांड की गाड़ियां मिल जाएंगी। बहुत ही प्रिसाइज्ड वे में मैंने वो कैटलॉग बनाए हुए हैं। मर्सिडीज बेंज का आप सी ऑल करके देखेंगे तो सारा मर्सिडीज बेंज का स्टॉक दिख जाएगा, ऑडी का आप सारा स्टॉक सी ऑल करके देखेंगे तो वो मिल जाएगा, हर गाड़ी की आपको 10 फोटोग्राफ्स मिलेंगी, डिटेल्स मिलेंगी और प्राइस मिलेगा, और आपको वहां पे एक वीडियो लिंक मिलेगा जिसको आप प्रेस करके उस पर्टिकुलर गाड़ी की वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स मेरा जो इंटेंट होता है ये वीडियोस बनाने का, ये वीडियोस मैं यूट्यूब पे मस्ती के लिए या फन के लिए नहीं बना रहा हूँ फ्रेंड्स, मेरा एक पर्पस है इन वीडियोस को बनाने का कि जो लोग दूर से आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, तेलंगाना से आ रहे हैं, कर्नाटक से आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं फॉर दैट मैटर, चंडीगढ़ से आ रहे हैं, तो वो गाड़ी को अच्छे से पहले देख लें, क्योंकि फोटोज में कुछ और होती है गाड़ी, एक्चुअल में कुछ और होती है। और मैं आपको गाड़ी खोल खोल के अंदर से दिखाता हूँ वीडियो में, गाड़ी को चला के दिखाता हूँ, उसके फीचर्स दिखाता हूँ कि कैमरा वर्किंग है या नहीं, सीट्स उसकी वर्किंग है या नहीं, मिल सिस्टम चल रहा है या नहीं, सनरूफ वर्किंग है या नहीं, किसी किस्म का कोई मेजर काम तो नहीं है गाड़ी में या नहीं, हर तरह से मैं आपको गाड़ी दिखाने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ इस इंटेंट से कि आप आएँ जब तो फिर आप ये गाड़ी मतलब लेने के ही पॉइंट ऑफ व्यू से आएँ, पेमेंट साथ लेकर आएँ और गाड़ी साथ लेकर जाएँ, किसी तरह का फिर कोई लिंगर ऑन होने का कोई रीज़न नहीं होना चाहिए अगर आप जनरली गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड हैं। सेकेंडली अगर आप अपनी कोई गाड़ी सेल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं और मेरी टीम आके इस तरह की फोटोज़ खींचे आपकी गाड़ी की और वीडियो बनाए सो दैट आप अपनी गाड़ी आराम से सेल कर सकें एंड यूज़र को, तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये सर्विसेज अभी दे रहे हैं दिल्ली NCR में, तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मर्सिडीज बेंज GLS के अलावा अगर आप पोर्शा काइनी देखना चाहते हैं अपने लिए, या ऑडी Q7 देखना चाहते हैं, या XCL या कोई भी लग्जरी ब्रांड आप अपने लिए देखना चाहते हैं, तो एक बार कैटलॉग जरूर विजिट करें, वहाँ पे आपको मेरी सारे गाड़ियों की डिटेल्स, वीडियो, प्राइस सब कुछ मिल जाएगा, एक बार जरूर वहाँ पे विजिट करें। और अर्जेंसी ना दिखाएं, अगर अभी नहीं है वहाँ पे मेरा कैटलॉग में आपकी पसंद की गाड़ी, तो आई एम 100% श्योर फ्रेंड्स 1 हफ्ते में 10 दिन में 5 दिन में वहाँ पे मैं आपके लिए आपकी पसंद की गाड़ी जरूर ला के खड़ी कर दूंगा। बहुत मेहनत से काम चल रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है आप देख सकते हैं, इतनी गर्मी में मैं वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी मेहनत से ये काम चल रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी आपके फ्रेंड गाड़ी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग मोटो फाइंडर्स। मोटो फाइंडर्स हर दिन कोशिश करेगा कि आपके लिए एक नई गाड़ी ढूंढ के लाए, तो कीप लविंग मी, कीप शेयरिंग माई वीडियोज़, हैव अ गुड डे, थैंक यू।